गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? चलिए जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाइए ताकि सेशन को प्रारंभ करें। कल की लाइव में थोड़ी सी दिक्कत आई थी जिसकी वजह से बीच में 7 से 10 मिनट की क्लास बाधित हुई थी। उसके बाद से फिर हमने क्लास को पूरा किया। कल हम बात कर रहे थे गुप्त काल की, और गुप्त काल में 2-3 चीज़ें हम वहाँ पर चर्चा नहीं कर पाए जो आज और अभी इस क्लास में हम करने वाले हैं। उसके बाद से हम गुप्तोत्तर काल पर चलेंगे। ठीक, तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाइए। कैसे आप सब? एक बार आवाज़ और वीडियो क्वालिटी बता दीजिएगा, दोनों सही है ना? चलिए प्रारंभ करें। चलिए, कल हम गुप्त काल की चर्चा कर रहे थे। ठीक, गुप्त काल की कल हम चर्चा कर रहे थे और जिसमें हमने उसकी सामाजिक व्यवस्था देख लिया था, है ना? कल समय नहीं बच पाया कि उसकी हम चर्चा कर पाए, तो कल हमने देखा था सामाजिक व्यवस्था, समाज की क्या वहां पर स्थिति थी, इन सब की हमने चर्चा की थी। जैसे समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था, है ना? ब्राह्मण धर्म जो था वो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, स्थापित हो गया। और हमने इसी के साथ जोड़ा था कि जहाँ भी ब्राह्मण धर्म स्थापित होगा वहाँ 2-4 बातें होगी ही होगी, जैसे कि वहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति है वो क्या होगा, धीरे धीरे गिरते चला जाएगा, उसको पुरुषों के अधीन कर दिया जाएगा, है ना? यहाँ पर जो शूद्र है, शूद्रों की स्थिति यहाँ पर खराब होती चली गई। दास जो प्रथा थी वो देखने को मिली यहाँ पर, वेश्या, है ना? उसके बाद हमने देखा था जो मंदिरों में देवदासी जो प्रथा थी वो, तो ये सारी चीजें हमने देखा था वहां पर समाज में क्या, हमने वो सारी चीजें वहां पर चर्चा की थी। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक, प्रशासनिक व्यवस्था, और प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं कि गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। हमने यह भी चर्चा किया था कि गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, क्यों दी जाती है, यह भी हमने देखा था। अब यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था देखें, वर्तमान में भी प्रशासनिक व्यवस्था है, है ना? प्रशासन को सही से चलाने हैं तो पूरे भारत क्या है, एक देश है। इसको हमने राज्यों में विभाजित कर दिया है, फिर राज्यों को क्या कर दिया है हमने, किसमें, और भी प्रशासन को निचले स्तर तक ले जाने के लिए हमने जिलों में विभाजित कर दिया, जिलों को ब्लॉकों में विभाजित कर दिया, और ब्लॉक क्या है, बहुत सारे गांवों का समूह है। तो वैसे ही यहां पर भी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो 3 स्तर पर हम देख सकते हैं। एक क्या हो सकता है, केंद्रीय प्रशासन, ठीक है ना? और दूसरा हम देख सकते हैं राज्य के स्तर पर, है ना, जिसे हम बोलते हैं प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। और तीसरा हम देख सकते हैं स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन देखा जाए तो गुप्त काल में प्रारंभ हो चुका था। मौर्य काल में देखा जाए तो यहां पर केंद्रीकरण पर ज्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन यहां पर स्थानीय व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कारण क्या था, हमने वहीं पर चर्चा किया था कि इस समय काल पर क्या हुआ कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान बड़े स्तर पर किया जाने लगा, मतलब इससे क्या सामंतवाद देखने को मिला, और ये एक छोटे राजाओं के रूप में उभर के सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था जो केंद्रीय स्तर पर था, इसका प्रमुख कौन होता था, राजा होता था, है ना? राजा होता था, और जो भी प्रशासनिक पावर है वो सभी के सभी राजा के हाथों में हुआ करता था। साथ ही साथ हम देखें न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन सबसे संबंधित जो भी पावर था उन सब में सर्वोच्च कौन था, राजा था। राजा जो भी यहाँ पर निर्णय लेता है, तो निर्णय लेने हेतु यहाँ पर मंत्रिपरिषद भी हुआ करती थी। मंत्रिपरिषद की व्याख्या भी यहाँ पर मिलती है, कालिदास की रचनाओं में देखेंगे तो वहां पर भी मंत्रिपरिषद की चर्चा वहां पर मिलती है, ठीक है ना? तो ये सारी बातें यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर नौकरशाही व्यवस्था की बात करें तो अमात्य शब्द आपने सुना होगा, अधिकतर जगहों पर आपको कुमारामात्य देखने को मिलेगा। तो अमात्य जो थे प्रशासनिक व्यवस्था में किसी क्षेत्र के हेड के रूप में थे और उनके द्वारा प्रशासन यहाँ पर चलाया जाता था, ठीक है ना? और अमात्यों की बात करें तो अमात्य जो पद था अधिकतर ब्राह्मणों के लिए ये पद सुरक्षित रखा जाता था,
आरक्षित रखा जाता था, परंतु ब्राह्मणों के साथ साथ कुछ अन्य वर्ण के लोग भी अमात्य के रूप में यहां पर नियुक्त किए जाते थे। ठीक है ना, इस पद की बात करें तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। ठीक, अमात्य का पद क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसमें जो भी मंत्री होते थे, मंत्रियों का चुनाव किसके द्वारा, राजा के द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में चलकर क्या हो गया, मंत्री का पद भी क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। मंत्रियों की बात करें तो सभी वर्ण से नहीं, जो उच्च वर्ण है, राजघराने हैं, उच्च वर्ण है, बड़े बड़े लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों को मंत्री के रूप में चुना जाता था, और आगे चलकर यह भी क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। और जहां भी वंशानुगत होगा वहां शासन प्रशासन में ढिलाई देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो मान लीजिए कोई मंत्री है, मंत्री का पुत्र जो होता है उसे पहले से ही पता है कि हम क्या होंगे, मंत्री होंगे। ठीक है ना, तो ऐसी जब भ्रम मन में आ जाती है तो इससे क्या होता है, प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वहन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है ना, अब बात करें यहां पर जो भी अधिकारी थे, तो अधिकारियों का वेतन वर्तमान में कैसे, नगद के रूप में मिलता है, है ना, नगद के रूप में मिलता है, यानी कि सैलरी फिक्स होती है कि एक महीने के कार्य करने के पश्चात आपको इतना मिलेगा। इस समय काल में देखिए, गुप्त काल में, तो यहां पर सैलरी जो थी नगद के स्थान पर धीरे धीरे ये क्या स्थानांतरित हो गया, भूमि दिया जाने लगा। ठीक है ना, मान लीजिए मैं यहां पर अमात्य हूं, है ना, मैं अमात्य हूं तो मेरी कुछ सैलरी है, उस सैलरी के आधार पर मान लीजिए यहां पर कोई क्षेत्र है, तो एक क्षेत्र है, मान लीजिए मेरी सैलरी यहां पर 50,000 हम मान लेते हैं, ठीक, 50,000 मेरी सैलरी है वार्षिक, और कोई क्षेत्र है जहां की जो वहां पर कर वसूली की जाती है, कर उगाही की जाती है, ये लगभग 50,000 के आसपास है। ठीक है ना, तो यहां पर नगद वेतन ना देकर ये जो क्षेत्र है, ये जो भूमि है, वो मुझे दे दिया जाता था, और इससे जो भी कर की उगाही होती थी वो मैं अपने सैलरी के रूप में लेता था। तो ये भी धीरे धीरे करते करते आगे चलकर क्या हो गया, सामंती व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है ना, इससे क्या हुआ कि जो केंद्र का, मौर्य काल में देखे तो केंद्र का जो नियंत्रण था संपूर्ण क्षेत्र पर था, गुप्त काल में देखे तो ये नियंत्रण धीरे धीरे सिकुड़ते जाता है ना, भूमि अनुदान होते जाता है, तो ये राजा का जो प्रत्यक्ष शासन वाला क्षेत्र है, ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये सिकुड़ते जाता है, और यही आगे चलकर बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे शासक देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये है यहाँ पर क्या, केंद्रीय प्रशासन। प्रशासन की बात करें तो जो राज्य है, राज्य किसमें भुक्ति में विभाजित था, भुक्ति विषय में विभाजित था, विषय के नीचे वीठी होती थी, वीठी के नीचे देखे तो पेट होता था, और पेट के नीचे यानी कि सबसे छोटा स्तर जो था वो गांव था, यानी कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर क्या बनता था, पेट बना करता था। तो ये था हमारा क्या, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था। अब यहां पर एक चीज और यहां पर देख सकते हैं, जैसे यहां पर सांस्कृतिक प्रस्फुटन हुआ, जैसे कई इतिहासकारों के द्वारा इस युग को हिंदू पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई है ना, किस चीज की, हिंदू पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई है, या फिर हमने देखा था स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। आखिरकार ये क्यों, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदू पुनर्जागरण क्यों, क्योंकि यहां पर ब्राह्मणवादी जो प्रवृत्ति थी, ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति पुनः यहां पर स्थापित हो जाती है, इसलिए इसे हिंदू पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कला, साहित्य, धर्म, इन सब के क्षेत्र में विशेष यहां पर क्या होता है, विशेष यहां पर विकास होता है, इसलिए इस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। और कई इतिहासकार नहीं भी देते हैं, उसका भी कारण हमने यहां पर देखा था। ठीक है ना, तो इस युग में क्या होता है, गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म पुनः प्रतिस्थापित होता है, ब्राह्मण जो है समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर लेता है, मूर्ति और मंदिर इन सब का भी निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है, साथ ही साथ अवतारवाद की संकल्पना जो है, अवतारवाद, दशावतार, है ना, जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार आपने सुना होगा, तो अवतारवाद की संकल्पना भी इसी समय काल में क्या होता है, मतलब बनता है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, प्रकृति पूजा होती थी, जो भी देवी देवता होते थे वो प्रकृति से संबंधित है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर शिव आ जाते हैं, वैष्णो, है ना, तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। फिर आगे चलकर हमने देखा था त्रिदेव की संकल्पना आती है। अब इस समय काल में क्या होता है,
कृष्णा, है ना, कृष्ण की पूजा हो रही है। तो यहीं पर क्या हो गया, अवतारवाद की संकल्पना कैसे जन्म ले ली। मान लीजिए यहां पर क्या थे, विष्णु भगवान की पहले पूजा होती थी, बाद में चलकर क्या कृष्णा जी की भी पूजा होने लगी। तो लोगों ने क्या किया, यहां पर अवतारवाद की संकल्पना ला दी कि यही विष्णु भगवान का ही जो रूप है वो एक नया अवतार हुआ है कृष्ण के रूप में। तो यहीं से अवतारवाद की संकल्पना देखने को मिलती है। और दशावतार के बारे में आपने पढ़ा होगा, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। दशावतार में सबसे पहला अवतार क्या होता है, मत्स्य अवतार, उसके बाद कुर्म अवतार, फिर वराह अवतार, फिर चौथा अवतार देखें तो नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम, सातवा राम, आठवा कृष्ण अवतार, नौवा बुद्ध अवतार और दसवा कल्कि अवतार के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। और यहां से क्या है, यहां से क्या है, बार बार प्रश्न पूछे जाते ही रहे हैं, तो इन सब के बारे में आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहां पर देखें हम क्या बात करें, संस्कृति की बात करें, संस्कृति में और क्या क्या हुआ। तो जैसे ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति यहां पर आई तो आते ही क्या हुआ, आते ही क्या होगा कि यहां पर क्या हो गया, ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति में हमने देखा था यज्ञ, है ना, उसके बाद कर्मकांड, उत्तर वैदिक काल में बलि प्रथा बड़े स्तर पर होने लगी थी। तो ये सारी संकल्पनाएं भी यहां पर धीरे धीरे फिर से डेवलप हो गई। यहां पर भी यज्ञ देखने को मिला, यज्ञ के साथ साथ बलि प्रथा, साथ ही साथ भक्ति की भावना भी यहां पर चल रही है। ठीक, उसके बाद धर्म की बात करें तो अभी क्या है, ब्राह्मणवादी धर्म है, और ब्राह्मणवादी धर्म में जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म इस समय पर सबसे ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि शासकों के द्वारा भी वैष्णव धर्म अपनाया गया। और जब शासकों के द्वारा जिस धर्म को अपनाया जाता है उसका संरक्षण भी दिया जाता है, उससे संबंधित प्रचार प्रसार भी यहां पर किया जाता है। तो वैष्णव धर्म यहां पर सबसे ऊपर मतलब माना जाता है, शासकों के द्वारा वैष्णव धर्म स्थापित किए गए। इसका साक्ष्य कैसे मान सकते हैं, जो वहां के सिक्के थे, सिक्कों पर क्या था, वैष्णव धर्म से संबंधित यहां पर कई सारे, जैसे गरुड़ हो गया, शंख हो गया, चक्र हो गया, लक्ष्मी हो गया, तो ये सारी चीजें वहां पर अंकित की जाती थी, इसके आधार पर ये माना जाता है। लेकिन वैष्णव के साथ साथ शैव धर्म भी यहां पर देखने को मिलता है। कैसे, आपने देखा होगा किसकी रचना है यहां पर, कालिदास की जो भी रचना है, कालिदास की रचनाओं में शैव धर्म से संबंधित कई सारी बातें यहां पर देखने को मिलती है। उसके बाद यहां पर देखें तो संयुक्त पूजा भी देखने को मिलती है। जैसे आपने शब्द सुना होगा अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का मतलब क्या हुआ, आधा नर और आधा नारी, यानी कि आधा शिव और आधा पार्वती की भी पूजा यहां पर होती थी। उसके बाद हरिहर आपने सुना होगा, हरिहर का मतलब क्या हुआ, शिव और विष्णु, इन दोनों को मिलाकर यानी कि संयुक्त पूजा भी यहां पर की जाती थी, है ना। तो वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया। उसके बाद बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का भी संरक्षण यहां पर दिया गया, और जैन धर्म भी यहां पर देखने को मिलता है कुछ सीमित क्षेत्रों में। तो ये चार धर्म यहां पर अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये था पूरा सांस्कृतिक से संबंधित जो भी बातें थी। अब हम आते हैं सीधे आज के टॉपिक पर, है ना, और आज का टॉपिक हमारा क्या है, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है ना, ये हमारा अंतिम काल है, किस चीज का, प्राचीन काल का। इसके बाद से क्या हो जाएगा, हमारा मध्यकाल प्रारंभ होगा। लेकिन मैंने बोला था मध्यकाल प्रारंभ होने से पहले इससे संबंधित पूरा जितना हमने किया, जितना भी टॉपिक, उन सबसे संबंधित एक क्लास होगी मिसलेनियस की, विविध की, जिसमें सबसे संबंधित प्रश्न होगा, और जो भी चीजें यहां से महत्वपूर्ण बची होगी उन सबको वहां पर सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर बात हो रही है गुप्तोत्तर काल की, और गुप्तोत्तर काल में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हर्षवर्धन से पूछे जाते हैं। तो हर्षवर्धन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कभी भी कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी, कोई भी प्रश्न यहां पर छूटेगा नहीं। अब यहां पर गुप्तोत्तर काल की बात करें तो हमने समय काल देखा था, 550 से लेकर 750 तक के काल को हम क्या, गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत रखते हैं। और गुप्तोत्तर काल में जो भी यहां पर शासक आए, ये शासक आए कहां से, गुप्त काल में हमने देखा कि यहां पर क्या हो रहा है, सामंती व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में माफ कीजिएगा, अंतिम दौर में क्या देखने को मिलता है कि यहां पर सामंती व्यवस्था देखने को मिलता है। और यहां पर गुप्त काल का जब धीरे धीरे पतन होने लगता है, पतन कहां से, कल ही हमने देखा था स्कंद गुप्त, जिसका समय काल 455 से प्रारंभ होता है, इसके बाद से क्या होता है, गुप्त काल का जो साम्राज्य है उसका धीरे धीरे विघटन प्रारंभ हो जाता है। जबकि अंतिम शासक देखें तो अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। तो स्कंद गुप्त के समय के बाद से क्या होता है,
कि गुप्त काल का विघटन प्रारंभ हो जाता है ना, ये साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में साम्राज्य के जितने भी सामंत थे, है ना, सामंत थे या फिर बड़े बड़े अधिकारी थे, अधिकारियों की अभी हमने बात की, सैलरी कैसे भूमि के रूप में दिया जाता था, तो उनके पास भी भूमि हुआ करती थी। तो जो भी यहाँ पर सामंत होते थे, अधिकारी होते थे, जैसे ही विघटन प्रारंभ हुआ, अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित कर दिए, और स्वतंत्र घोषित करने के साथ ही भारत में कई सारे नए नए यहाँ पर नए नए साम्राज्य स्थापित हुए। जैसे यहां पर देख सकते हैं थानेश्वर के वर्धन, है ना, पहला हम क्या देख सकते हैं, थानेश्वर वाला क्षेत्र, थानेश्वर के वर्धन वंश, ठीक है ना, इसी से संबंधित कौन है, हर्षवर्धन। दूसरा हम यहां पर देख सकते हैं कनौज में कौन सा वंश आ जाता है, कनौज में मौखरी वंश, कनौज में मौखरी वंश, ठीक है ना, कनौज में मौखरी वंश, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उसके बाद देखें मगध में गुप्त, है ना, मगध में कौन सा गुप्त शासक, गुप्त कौन, परवर्ती गुप्त रहते हैं, तो मगध में क्या होता है, मगध वाले क्षेत्र में हम क्या देख सकते हैं, गुप्त वाले, ये परवर्ती गुप्त होते हैं। और चौथा हम देख सकते हैं जो बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल वाले क्षेत्र में कौन सा, गौड़, है ना, बंगाल वाले क्षेत्र में कौन सा, गौड़ शासक यहां पर देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को जितने भी सामंत थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। और इसी के क्रम में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, वर्धन वंश, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले थानेश्वर के वर्धन वंश के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे प्रश्नों पर, और प्रश्नों के माध्यम से सभी को हम अच्छे से करते हुए चलें। आप लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, आप लोग आपस में बात ना करें, मैं बात करने के लिए समय देता हूं, क्लास समाप्त होने के बाद हम चर्चा कर लेंगे, ठीक। चलिए अब यहां पर थानेश्वर का वर्धन वंश, या फिर इसी को हम क्या बोल लेते हैं, पुष्य भूति वंश, है ना, पुष्य भूति वंश, पुष्य भूति वंश क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो संस्थापक था, संस्थापक कौन था यहां पर, पुष्य भूति था, इसलिए इसे पुष्य भूति वंश के नाम से भी जानते हैं। और पुष्य भूति की बात करें तो यह भी क्या था, गुप्तों के अंतर्गत एक सामंत हुआ करता था, लेकिन जब यहां पर गुप्त वंश धीरे धीरे पतन होने लगा उसका, तो ये अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है ना। यहां पर इसके संदर्भ में उतनी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि या तो ये वैश्य वैश्य जाति का था, या फिर क्षत्रिय जाति का था, पुष्य भूति के बारे में ऐसे यहां पर मतलब बात की जाती है। तो गुप्तों के अधीनस्थ ये क्या हुआ करता था, सामंत हुआ करता था, या फिर कोई अधिकारी हुआ करता था, और जब राजाओं में दुर्बलता आने लगी तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्षेत्र देखे तो जो हमारा पंजाब का पूर्वी पंजाब वाला क्षेत्र है, यानी कि जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, हरियाणा वाला क्षेत्र में ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और स्वतंत्र घोषित करके अपना राजधानी कहां रखा, थानेश्वर, अपना राजधानी बना दिया थानेश्वर, इसलिए इन्हें थानेश्वर के वर्धन वंश के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा पुष्य भूति, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, पुष्य भूति, अभी भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा मैचिंग के लिए कि कौन से शासक जो हैं, किस वंश के संस्थापक हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखें तो यहां पर शासकों की बात करें तो सबसे पहले नरवर्धन, ठीक है ना, सबसे पहले नरवर्धन, नरवर्धन के बाद हम देख सकते हैं राज्यवर्धन, ठीक है ना, राज्य वर्धन, ठीक। उसके बाद, इसके बाद कौन शासक बनता है यहां पर, आदित्य वर्धन, आदित्य वर्धन। और एक और महत्वपूर्ण है, एक और महत्वपूर्ण है, एक और नाम लिख लीजिएगा, प्रभाकर वर्धन, है ना, प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन की बात करें तो इसके दो पुत्र और एक पुत्री थी, जो इतिहास से संबंधित है और सबसे महत्वपूर्ण है, आप सबको पता होना चाहिए। प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा पुत्र था, इसका नाम क्या था, राज्यवर्धन द्वितीय, राज्यवर्धन द्वितीय। दूसरा जो पुत्र था ये कौन था, वही हर्षवर्धन। दूसरा पुत्र कौन सा था, हर्षवर्धन। और एक पुत्री थी
पुत्री का नाम क्या था आप सभी को पता है, पुत्री का नाम राजश्री, पुत्री का नाम क्या था राजश्री, जो मौखरी वंश के एक शासक से इसकी शादी होती है। और यहां पर हम त्रिपक्षीय युद्ध जब देखेंगे तो वहां पर आप सभी को ये तीनों ही नाम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो राजश्री मौखरी वंश के शासक से विवाह होता है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे संबंधित आप सभी को प्रश्न देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा हमें क्या पढ़ना है यहां पर हर्षवर्धन, और जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस काल से उसका 65 से 75% तक जो प्रश्न होते हैं वो हर्षवर्धन से ही होते हैं, अभी प्रश्नों को हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं, इसी के साथ हम चर्चा प्रारंभ करते हुए चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न यहां पर है, चलिए आप सभी के सामने है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कनौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या फिर थानेश्वर। चलिए सभी लोग उत्तर दें, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, चलिए बताइएगा उत्तर। चलिए सभी लोग उत्तर दें, डी वाले ज्यादा हैं, ए भी आ रहे, सभी लोग उत्तर दें, सभी लोग जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोग उत्तर दें इसका। चलिए इसीलिए मैंने पूरी कहानी नहीं बताई, पूरी कहानी बताता तो आप सभी लोग इसका सही उत्तर देते थे, सभी का उत्तर गलत जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या है, कनौज, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी। पहले हमने देखा थानेश्वर था, ठीक है ना, थानेश्वर था। उसके बाद की कहानी क्या होती है, थोड़ी सी हर्षवर्धन की कहानी देख लेते हैं। इसका शासनकाल देखे तो 606 से लेकर 647 तक इसकी शासनकाल रहती है, 606 से लेकर 647 तक। किसका हम बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन की, ठीक है ना। अब इसकी राजधानी कैसे होती है कनौज, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने बात की प्रभाकर वर्धन की, है ना। तो प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र यानी कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई है कौन, राजवर्धन, राजवर्धन गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के पश्चात राजवर्धन यहां पर गद्दी पर बैठता है, लेकिन ग्रहवर्मन, है ना, ग्रहवर्मन कौन है, यही हर्षवर्धन का बहनोई, जो अभी हमने राजश्री नाम देखा था, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, ग्रहवर्मन के साथ होता है। तो अभी थोड़ा सा हम देख ले यहां पर, जब राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है तो शशांक नामक, है ना, जब त्रिपक्षीय युद्ध की बात करेंगे तो उसी में हम देखेंगे कि शशांक कौन सा, बंगाल के जो गौड़ वंश के शासक थे उसी में से शशांक सबसे प्रतापी राजा था, इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसके द्वारा धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। और जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तब यहां पर हर्ष 606 ईस्वी में क्या होता है, शासक बनता है। राज्यवर्धन जो था 604 से 605 तक क्या रहता है, शासक रहता है, फिर ज्यादा दिन नहीं, एक वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा, उसके बाद हर्षवर्धन यहां पर शासक बनता है। ये कहानी यहां की हो गई, ये कहां का शासक बन गया, अभी तक कहां, राजधानी इसकी कहां है, थानेश्वर है। आगे क्या होता है कि जो इसका जीजाजी थे, है ना, जीजाजी ऐसे याद रखिएगा, तो जो इसके जीजाजी थे नाम क्या था, ग्रहवर्मन, हर्ष की बहनोई थी, इनकी हत्या भी हो जाती है, किसके द्वारा, मालवराज देवगुप्त के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और ऐसी स्थिति में देखें तो ऐसी स्थिति में वहां पर कोई उत्तराधिकारी भी अभी नहीं हुआ था, उत्तराधिकारी नहीं था, तो ऐसी स्थिति में, है ना, थोड़ी सी कहानी देखें तो कहानी लंबा है, उतने लंबा नहीं जाएंगे, लेकिन अंतिम दौर में देखा जाए तो जो इसकी बहन होती है, बहन अब अपने आप को सती बनाने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसे ही समय में हर्षवर्धन उनको ढूंढ लेता है, और ढूंढ कर कहाँ लेकर जाता है, कनौज लेकर जाता है। फिर वहां पर मंत्रियों से मंत्रा की जाती है, और साथ ही साथ राजश्री दोनों मिलकर, जितने भी मंत्री थे, मंत्री परिषद और राजश्री दोनों मिलकर ये विचार करते हैं कि यहां पर कोई हमारा उत्तराधिकारी है नहीं, तो आप हमारे बड़े भाई हैं, आप क्या करें, यहां का शासन प्रशासन भी आप संभाल ले। तो ऐसी स्थिति में सबकी राय से जो हर्षवर्धन है वो भी कहां का, कनौज का शासन अपने हाथों में ले लेता है। उसके बाद से जो अपनी राजधानी है, राजधानी को स्थानांतरित करके कहां, कनौज कर देता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी कहानी है, कहानी लंबी है, उतनी लंबी कहानी की चर्चा हमें यहां पर नहीं करनी है। ठीक, चलिए स्टार्टिंग ही गलत हो गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है,
एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, कनौज, ठीक। अब थोड़ी सी इसकी कहानी देख लेते हैं। यहां से कनौज का, कनौज पर इसका आधिपत्य हो जाता है। अब कनौज की बात करें तो जो त्रिपक्षीय युद्ध होता है वो कनौज को लेकर ही होता है। आखिर क्यों? कनौज की बात करें, प्रारंभिक दौर में अभी हमने देखा पाटलिपुत्र सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। कारण क्या था? हमने देखा था इसकी भौगोलिक स्थिति जो थी, है ना, व्यापार वाणिज्य करने हेतु जलमार्ग मिलता था, साथ ही साथ उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ भूमि के साथ साथ यहाँ पर लौह संसाधन की भी उपलब्धता थी, जंगल से हाथी मिल जाते थे। इसी की वजह से 16 महाजनपदों में से मगध का उत्कर्ष होता है। इस समय काल तक देखें तो मगध अपना महत्व खो देता है और महत्व जो बन जाता है वो किसका? कनौज का। कारण क्या रहता है? वहां पर क्या था? केवल गंगा था। यहां पर गंगा और यमुना दोनों, है ना, गंगा का भी क्षेत्र है, यमुना का क्षेत्र है, दोनों के बीच में स्थित है। तो इस लिहाज से और भी व्यापार वाणिज्य हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। साथ ही साथ उपजाऊ भूमि यहां पर बहुत बड़े स्तर पर है। तो ये सब कारण रहते हैं। इन सब कारणों की वजह से तीन बड़े बड़े साम्राज्यों का क्या होता है? आपस में संघर्ष होता है, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं। वो भी हम आगे यहां पर देखेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर दीजिए सभी लोग। ये 3 से 4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए सभी लोग उत्तर दें। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। चलिए सबके उत्तर नहीं आ रहे। चलिए इसमें बी के साथ अधिकतर लोग जा रहे हैं, एक डी आया है, बाकी सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं, तो मैं भी बी के साथ ही जाऊंगा। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। यहां पर बात हो रही है किसकी? हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन जो था एक साम्राज्यवादी विस्तारवादी शासक था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना यह चाहता था। तो प्रारंभ में देखें तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के इधर उत्तर वाले भाग में यह पूरा क्षेत्र तो इसके अंतर्गत आ ही गया है। अब इसके बाद सोचता है कि अब दक्षिण वाले क्षेत्र को भी हम क्या करें, अपने साम्राज्य में मिलाए। तो अपने साम्राज्य में मिलाने हेतु अब यह सोचता है कि नर्मदा नदी को हम पार करें। लेकिन वहां पर क्या, पुलकेशिन द्वितीय जो था यह भी प्रतापी राजा है, और यह भी, इसका भी इच्छा क्या था कि हम भी अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो इधर से ये अपना विस्तार करने का प्लान बना रहे, और इधर से ये पुलकेशिन द्वितीय अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्लान बना रहा है। और ऐसी स्थिति में जब ये नर्मदा नदी पार करने का प्रयास करता है तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ संघर्ष होता है, जिसमें हर्षवर्धन यहां पर हार जाता है। तो दोनों ही क्या है? साम्राज्यवादी, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। तो बार बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कौन हर्ष को दक्षिणवर्ती यानी कि दक्षिण विजय करने के क्रम में नर्मदा नदी पर ही रोक दिया? पुलकेशिन द्वितीय, हमेशा ही याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कवि वाणभट्ट निवासी था, कवि वाणभट्ट निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, या फिर औरंगाबाद का? चलिए सभी लोग उत्तर दें इसका। चलिए ये एडी वेडी याद मत रखिएगा, नहीं पूछते। अगर आपको वनडे देना है, एसएससी लेवल का देना है, उसमें पूछते हैं। लेकिन पीसीएस लेवल का देना हो तो एडी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं पूछा जाता। बीपीएससी में भी 5 से 6 साल पहले पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता, ठीक। चलिए सभी लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं, और जितने लोगों का आया है उतने लोगों का यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है, सी भी आ गया और डी भी आ गया। देखते हैं सही उत्तर क्या है। वाणभट्ट की बात हो रही है, और वाणभट्ट के बारे में आप सभी को पता होगा, इनके कुछ पुस्तक है, हर्षचरित्र, कादंबरी। हर्षचरित्र से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है, लेखक कौन है, तो कौन है? वाणभट्ट है। तो कौन सी पुस्तक है? हस्तचरित्र, कादंबरी, ये जो पुस्तक है वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। और वाणभट्ट की बात करें तो ये हर्ष के राजदरबारी कवि थे, राजदरबार में रहते थे और एक कवि थे। और इनकी बात करें कहां के निवासी थे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, औरंगाबाद के ये निवासी थे, ठीक है ना। वाणभट्ट कहां के निवासी थे? औरंगाबाद के निवासी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जबकि सबसे ज्यादा लोगों ने यहां पर बी उत्तर को चुना था, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
वेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, यह बीपीएससी में पूछा जा चुका है शायद 1996 में और दो तीन बार और भी पूछा गया है। वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर कांची। इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर दीजिए। चलिए सभी लोग उत्तर दें इसका। सभी लोग उत्तर दें। चलिए सुनीता जी ने स्किप कर दिया, बाकी लोग यहां पर बी जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी ए के साथ जा रहे हैं, अधिकतर लोग बी के साथ जा रहे हैं, तो मैं भी यहां पर बी के साथ ही जाऊंगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मथुरा। है ना, वेन संग जब भारत में आता है तो आने के साथ ही सबसे पहले तो वो अध्ययन करता है, अध्ययन के साथ साथ भारत के कई नगरों का भ्रमण करता है। उस क्रम में देखता है कि जो मथुरा है, मथुरा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए उस समय सबसे प्रसिद्ध नगर हुआ करता था। अब यहां पर बात हो रही है वेन संग की, तो वेन संग के बारे में आप सभी को पता होगा, पीछे भी हमने चर्चा कर लिया है। कहां से संबंधित यात्री है, चीन से संबंधित यात्री है। कहां से, चीन से। और चीनी यात्री की बात करें तो यहां पर तीन नाम फट से दिमाग में आना चाहिए, क्या क्या। सबसे पहला तो वेन संग कब आया था, 629 से 45 तक ये भारत में रहता है, 629 से लेकर 45 तक। ये हमने चर्चा की थी, 29 में चीन से चलता है, 30 में शायद पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये इसका समय काल रहता है, और इसमें से देखें तो कितना वर्ष, 6 वर्ष तक ये कहां रहता है, ये 6 वर्ष तक कहां, नालंदा विश्वविद्यालय में ये रहता है, वहां पर क्या करता है, अध्ययन करता है, ठीक है ना। अब यहां पर वेन संग की बात हो गई, दूसरा नाम क्या आना चाहिए, दूसरा नाम आपका आना चाहिए फाहयान का, जो 399 में आता है, दूसरा चीनी यात्री फाहयान। और तीसरा की बात करें तो तीसरा क्या है, इत्सिंग है। इन तीन नामों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब यहां पर वेन संग की बात करें तो वेन संग क्यों आया भारत में, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार है, तो बहुत सारे लोग चीन में जा चुके थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने हेतु वो भारत में आता है। कब आता है, ये समय काल हो गया, है ना। आते समय इसमें से लगभग 6 वर्ष तक कहां, नालंदा विश्वविद्यालय में रहता है, और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर वहां पर पढ़ाई, अध्ययन कार्य भी होता है, बाद में अध्यापन कार्य भी इनके द्वारा यहां पर करवाया जाता है। साथ में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जो फाहयान है भारत में किस रास्ते से आता है, तो आप सभी को पता होगा सिल्क रूट, है ना, सिल्क रोड, आप सभी को पता होगा सिल्क रोड के थ्रू ये भारत में आता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, सूती मार्ग, है ना। तो सूती मार्ग होते हुए, और भारत में यहां पर कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत होते हुए उसको पार करके सबसे पहले वो कपीशा पहुंचता है। जब यहां पर पहुंचता है तो उसके साथ एक घटना हो जाती है, वहां के जो जो लुटेरे टाइप के होते हैं, है ना, डाकू जो होते हैं, डाकुओं के द्वारा वेन संग का अपहरण कर लिया जाता है। क्यों अपहरण क्यों किया जाता है, क्योंकि वहां पर फेमस क्या था उस समय काल पर, बलि प्रथा। और बलि में देखा जाए तो डाकुओं का मानना यह था कि अगर हम मानव बलि देते हैं तो हम बहुत ही शक्तिशाली होंगे, तो मानव बलि देने हेतु वेन संग को ये यहां पर अपहरण कर लेते हैं, उठा ले जाते हैं, फिर जैसे तैसे करके वहां से वो बच के आते हैं, फिर भारत में ये पहुंचते हैं। तो कहां से आए, सिल्क मार्ग से होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत पहुंचे हुए थे, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की, धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या फिर महीपाल। इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताएं। फाहयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आया था, ठीक, पीछे हमने कर लिया है। चलिए सभी लोग उत्तर दें इसका। चलिए सबके उत्तर सही जा रहे हैं, एक दो लोग हैं जो सी के साथ जा रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। अब धर्मपाल का नाम यहां पर आया तो धर्मकाल
धर्मपाल का नाम कहां से जुड़ा हुआ है? त्रिपक्षीय संघर्ष से, ठीक है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष से। और त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो किसके किसके बीच में हुआ? सबसे पहला गुर्जर प्रतिहार वंश, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र था, गुजरात राजपूताना वाला क्षेत्र था, है ना। तो इसको अगर हम भारत के नक्शे पर देखने का प्रयास करें तो ये हमारा भारत हो गया। तो ये जो क्षेत्र है, कनौज कहां स्थित है? कनौज यहां पर स्थित है, ठीक। गुर्जर प्रतिहार वंश अपना शासन ये मानते थे, ठीक है ना। दूसरा, पहला क्या हो गया? गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा क्षेत्र कौन सा था? दक्कन के राष्ट्रकूट। ये जो क्षेत्र था, यहां पर कौन थे? राष्ट्रकूट थे। तो ये ऐसे मानते थे, इनका ये अपना शासन ऐसे मानते थे, मतलब ये भी अपने आप को कनौज में रखते थे। और तीसरा जो था, बंगाल के पाल वंश, यहां पर क्या थे? पाल वंश थे, और ये अपना क्षेत्र में भी कनौज को मानते थे। तो ये भी मानते थे कनौज हमारे में आ रहे, गुर्जर प्रतिहार भी मानते थे, और ये जो राष्ट्रकूट थे ये भी मानते थे। तो इसी को लेकर तीनों का सेंटर क्या है? कनौज है। और कनौज क्यों महत्वपूर्ण था ये भी हमने बात किया। तो इसी को लेकर तीनों में क्या होता है, जो युद्ध होता है, इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और इसमें अंतिम रूप से कौन विजयी होता है? गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है ना। तो इस युद्ध को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस संघर्ष को देख लीजिएगा, लगभग 200 वर्षों तक चलता है, जिसमें अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश यहां पर विजयी रहते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, उज्जैन, धार या फिर देवगिरी? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर दीजिए। चलिए, इतने प्रश्नों के माध्यम से मैं उन सभी टॉपिक को छूने का प्रयास करता हूं जहां से प्रश्न आता है, और जो भी मैंने करवाया उससे संबंधित और भी आप जहां से भी लूसेंट से कम कर लेते हैं। तो इतिहास से अगर बीपीएससी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, 50 में से बिहार स्पेशल हटा दें, 15-20 क्वेश्चन अगर हटा देते हैं, तो 30-35 जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 35 में से 30 क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे, ठीक। चलिए सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। चलिए, सबके उत्तर सही जा रहे हैं। अभी अभी हमने देखा ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है कनौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कौन सा? कनौज। कारण क्या था? अभी हमने देखा कि ये जो था गंगा यमुना इनके बीच में स्थापित था, इसलिए यहां पर जलमार्ग आसानी से हो जाता था, है ना। इसके माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में व्यापार वाणिज्य होता था, इसके माध्यम से बंगाल की खाड़ी में भी निकल गए, वहां से विदेशी व्यापार भी हुआ करता था। तो कनौज है सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौशेय, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या फिर ऊन के लिए? चलिए बताइएगा, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या फिर उनके लिए? सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताएं। चलिए, उत्तर यहां पर रुक सा गया है। चलिए सभी लोग उत्तर दें। चलिए, अधिकतर लोग ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। माजिद जी, एस ऑप्शन यहां पर नहीं है, आपने एस दिया है, एस ऑप्शन यहां पर है नहीं। अधिकतर लोग ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। तो बार बार ऐसा होता नहीं है कि जो अधिकतर लोग उत्तर दें हम उसी के साथ जाएं। ए उत्तर जो है इसका गलत है, सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, रेशम के लिए, रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो बार बार मैं बहुमत के साथ नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि बहुमत होते हुए भी कई बार गठबंधन की सरकार भी बन जाती है, ठीक, बहुमत में एक आध सीट अगर कम हो तो। तो जो कौशेय है, कौशेय रेशम के लिए प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा हमेशा। और ये प्रश्न 2 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? अभी अभी हमने चर्चा कर ली है, जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभी हमने चर्चा किया था, यह तो गलत कभी होना ही नहीं चाहिए, ठीक।
लेकिन इस प्रश्न को मैं सम्मिलित नहीं करता, लेकिन देखा जाए अच्छा प्रश्न अगर बनने की देखे तो इस टॉपिक से 10 से ज्यादा अच्छा प्रश्न बन ही नहीं रहा था, ठीक है ना। तो एक दो रिपीटेड मैंने प्रश्न को यहां पर सम्मिलित किया है। चलिए सबके उत्तर सही जा रहे। अभी अभी हमने चर्चा की थी वाणभट्ट, वाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये मैंने लूसेंट से उठाया है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं। लूसेंट से उठाया गया प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा भी गया है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। चलिए सभी लोग उत्तर दें। चलिए सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं। सुखदेव जी का बी आ रहा है जो कि गलत उत्तर है। सी के साथ यानी कि सी इसका सही उत्तर है। जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे? हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। हर्षवर्धन की एक आदत क्या थी, ये दान बहुत देता था और दान देने के लिए हर चार वर्ष पर, है ना, प्रत्येक चार वर्ष पर जो प्रयाग वाला क्षेत्र है, कौन सा? प्रयाग। वर्तमान में प्रयाग है, तब भी प्रयाग होता था, बाद में इलाहाबाद हुआ था। तो प्रयाग वाले क्षेत्र में हर चार वर्ष पर वो वहां पर जाता था। यहां पर कौन सी मेला लगती थी? माघ मेला। हर चार वर्ष पर लगता था यहां पर माघ मेला, वहीं पर हर्षवर्धन जाता था। और जहां यहां पर जितने भी जरूरत लोग हैं, जैसे निर्धन हो गए, है ना, निर्धन हो गए, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको कुछ धन की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो इस अवसर पर क्या करता था, जो भी अभावग्रस्त प्रकार के लोग थे, उन अभावग्रस्त प्रकार के लोगों को यहां पर दान दिया करता था। और दान में देखा जाए तो अपना पर्सनल वस्तु भी दे देता था, अपना जो कपड़ा था कपड़ा भी दे देता था, और यहां पर उसकी बहन यहां पर कपड़ा जो लेके आती थी तो अपना कपड़ा भी दान देने के बाद अपनी बहन के द्वारा लाया गया कपड़ा जो था वो पहन के वापस यहां पर लौटता था। तो माघ मेला जब भी यहां पर लगता था प्रयाग में, प्रत्येक चार वर्ष पर यह वहां जाता था, वहां पर दान देता था, और यहीं से देखा जाए तो कुंभ मेला का प्रारंभ देखने को मिलता है। तो श्रेय किसको दिया जाएगा? श्रेय किसको दिया जाएगा यहां पर? हर्षवर्धन, क्योंकि पहले तो केवल मेला लगता था, लेकिन जब से ये दान वान करने लगा तो धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी और अंत में ये एक बड़े मेला के रूप में उभर के सामने आ गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांच नहीं, अभी भी चार वर्ष पर ही लगते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कथन और कारण दे रखा है। कथन है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, और कारण दे रखा है कि हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। अब यहां पर ऑप्शन आप सभी के सामने है, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर दीजिए। चलिए सभी लोग उत्तर दें इसका। कथन भी और कारण भी दोनों आप सभी के समक्ष है, दोनों को पढ़ें समझें उसके बाद ही उत्तर दें। हर्षवर्धन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित यह प्रश्न है। अर्जुन भगत जी आप भी एस देने लग गए, एस का यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, एस का तो कहां से एस होगा। बाकी दिव्या जी ने यहाँ पर स्किप कर दिया। रंजीत जी का डी आ रहा है। यारों का यार कुंदन जी है, उनका भी डी आ रहा है कि आर सही है और ए गलत है। देखा जाए इसका सही उत्तर, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, ये बात सही है, नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं देता है, ये बात सही है। दूसरा कारण दे रखा है क्यों, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, यह भी हमारा सही है, यह भी हमारा सही है। कुछ नया नहीं किया, गुप्त शासन का जो चल रहा था सामंती व्यवस्था, है ना, अर्ध सामंती प्रकार का व्यवस्था हम कह लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था,
केवल इसने क्या किया, कुछ संशोधन कर दिए। जैसे उसके समय काल में, गुप्त काल में क्या था, सामंत पूरा फ्रीली होता था, वो अपना शासन प्रशासन अपने क्षेत्र में पूरा शासन प्रशासन इसी के हाथों यहां पर चलाई जाती थी, राजा से ये स्वतंत्र हुआ करता था। लेकिन इसने क्या किया, इन सभी को अपने अधीन रखा। व्यवस्था वही है, सामंती व्यवस्था है, लेकिन इन सबको अपने अधीन ही रखता है। तो उसने क्या किया कि जो गुप्त शासन प्रणाली जो है, गुप्त शासन प्रणाली में ही थोड़ा सा क्या किया, संशोधन किया, और इसी संशोधन के साथ क्या किया, अपना यहां पर शासन प्रणाली चलाते रहा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है यानी कि कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। हर्षकालीन प्रशासन एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, यहां पर बोल रहे सुमेलित कीजिए, यहां पर सूची दे रखा है राजवंशों की, और यहां पर सूची दे रखा है संस्थापक की, यहां पर है वर्धन, मौखरी, वाकाटक और मैत्रक, यहां पर संस्थापक में दे रखा है भटार्क, ईशान वर्मा, विंध्य शक्ति, पुष्यभूति, और इसके आधार पर सही उत्तर क्या होगा, आप लोग सही उत्तर बताएं। ये राजवंश है, वो संस्थापक है, मैंने बोला था इससे संबंधित प्रश्न है, तो इसके आधार पर आप लोग उत्तर दें। जो इसमें हम लोग तरीका अपनाते थे वही तरीका अपनाना है, आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए, ए आ रहे हैं, बी आ रहे हैं, सबसे ज्यादा यहां पर ए आ रहे हैं, लेकिन बी वाले भी हैं, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए सही उत्तर की बात करते हैं। सबसे पहले तो वर्धन वंश, अभी अभी हमने बात किया, वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति है ना, वर्धन वंश का संस्थापक अभी हमने देखा कौन है, पुष्यभूति है। उसके बाद अब एक पे ही देखते हैं हमारा उत्तर मिलता है, ए का चार किस में है, तो दो ऑप्शन में है, ठीक है ना, या तो बी उत्तर हो सकता है या सी उत्तर हो सकता है। ए वाले तो ऐसे ही गए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग ए वाले थे, तो ए वाले ऐसे ही चले गए। उसके बाद मौखरी वंश की बात करें तो मौखरी वंश का संस्थापक कौन था, ईशान वर्मा। मौखरी वंश का संस्थापक कौन था, ईशान वर्मा। अब देखते हैं बी का दो किस में है, और बी का दो देखें तो केवल एक में ही है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जबकि वाकाटक की बात करें तो वाकाटक का संस्थापक कौन था, विंध्य शक्ति था, और मैत्रक की बात करें तो मैत्रक वंश का संस्थापक भटार्क था। तो इस आधार पर आपका सही उत्तर क्या होता है, ऑप्शन बी सही होता है, जो कि बहुत कम लोग थे, ज्यादा परसेंटेज यहां पर ए वाले का था, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, तीन प्रश्न और हैं। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन, बताइएगा प्रश्न क्या है, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताएं। देखिए निक्की जी, अ ब स और द, ये ऑप्शन यहां पर नहीं है, तो ये ऑप्शन ना दे तो ज्यादा सही है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी में दे, ठीक। चलिए आज के प्रश्न में बहुत सारे लोग गलत वाले हैं, ज्यादा प्रश्न आपको हर्षवर्धन से ही देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से अगर देखा जाए, प्रश्न बनाया जाए, तो 50 के आसपास बनेंगे, और 50 में से जो है वो 42 से 45 प्रश्न हर्षवर्धन से ही बनते हैं, उसी से रिलेटेड। चलिए अधिकतर लोग यहां पर डी के साथ जा रहे हैं, कुछ जवाब यहां पर ए भी है, लेकिन सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन क्या बोल रहा है, बौद्ध राजा, और वो भी कौन बौद्ध राजा, अंतिम, इसके बाद से देखा जाए तो राजाओं के द्वारा, यहां से क्या हुआ, हर्षवर्धन के बाद यहां पर हिंदू धर्म देखा जाए तो धीरे धीरे क्या हो गया, पतनशील हो गया। अब हम देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, मुस्लिम आक्रमण हो रहा है, यहां से मुस्लिम शासन की स्थापना होगी, फिर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, तो इस समय क्या है,
मुस्लिम शासक यहां पर स्थापित हो जाते हैं। और ऐसे समय काल पर देखें तो बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म तभी चलता है जब किसी न किसी राजा के द्वारा उसका संरक्षण किया जाता है, उसको संरक्षण दिया जाता है। तो यहां से इसके बाद से संरक्षण किसी राजा के द्वारा दिया नहीं गया, अंततः क्या हुआ कि बौद्ध धर्म भारत से लुप्त प्राय हो गया। ठीक है ना, भारत में अब बौद्ध धर्म आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जबकि जनक कौन है, भारत है, भारत में ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। ठीक है ना, तो यहां पर अंतिम शासक कौन था, हर्षवर्धन। प्रारंभ में देखे, प्रश्न ये भी पूछ सकता है, प्रारंभ में हर्षवर्धन बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, पहले ये शिव के उपासक था, है ना, शैव धर्म से संबंधित था, शिव की उपासना किया करता था, लेकिन बाद में चलकर ये बौद्ध धर्म अपना लेता है ना। और ये संस्कृत का महान विद्वान भी था और इसके द्वारा कुछ रचनाएं भी की गई, रचनाओं से संबंधित यहां पर प्रश्न है। जैसे यहां पर देखा जाए, अगला प्रश्न शायद इसके रचना से ही है इसलिए यहां पर नहीं बताऊंगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची में दे रखा है रचना, यानी कि जो रचनाएं की गई, और यहां पर दे रखा है रचनाकार किसके द्वारा की गई। ठीक, यहां पर है हर्षचरित्र, कादंबरी, फिर बी ऑप्शन में है नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, सी में है सूर्य शतक, डी में है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। इधर दे रखा है हर्षवर्धन, भर्तृहरि, मयूर और वाणभट्ट। इसके आधार पर सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताएं। दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई तो इतने अच्छे से दे रहा है। एक बार आप थोड़ा सा अपने डेटा को चेक करें, शायद स्लो हो, पिक्सल बढ़ा ले, दिखाई देगा। चलिए उत्तर दें सभी लोग। चलिए, बहुत कम उत्तर आ रहा है, बहुत कम, सभी लोग उत्तर दें। चलिए, अधिकतर लोग ए के साथ जा रहे हैं, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक, सबसे पहला यहां पर देखिए हर्षवर्धन, ठीक है ना, सबसे पहला कौन सा है, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की बात करें तो आप सभी को पता होगा इसकी तीन रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी, आपको दिखाई देगा यहां पर कौन सा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये जो तीन रचनाएं हैं ये किसकी, हर्षवर्धन की है, यानी कि डी का ऑप्शन एक। अब देखते हैं किस में है, तो केवल दो में है, ठीक है ना, ए और बी में, सी डी तो हमारा समाप्त हो गया, गलत उत्तर हो गया। उसके बाद वाणभट्ट की रचना अभी अभी हमने देखा था, जो चार नंबर पे है वाणभट्ट की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है, हर्षचरित और कादंबरी, यानी कि पहले का चार। अब देखते हैं, अब पहले का चार देखें तो ये तीन में है, इससे भी काम नहीं चलने वाला, तो आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं भर्तृहरि, भर्तृहरि की जो रचना है इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा शतक लगाया, तो सबसे ज्यादा शतकों की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर सारे शतक ही है, नीति शतक लगा दिए, श्रृंगार शतक लगा दिए और भक्ति में भी इन्होंने शतक लगा दिया, यानी कि भर्तृहरि का ये तीनों रचनाएं हैं, यानी कि हम देख सकते हैं बी का दो। अब इसमें से देखते हैं तीनों में से बी का दो कौन सा है, तो यहां पर केवल एक ही में है, तो सही उत्तर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन ए। और एक शतक और भी है, तो मयूर जी ने बोला कि केवल आप ही शतक लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, तो इन्होंने शतक लगा दिया, किस चीज का, सूर्य का शतक लगा दिया। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं थोड़े से कॉमेडी वे में, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। फिर से रिपीट कर लेते हैं, हर्षवर्धन की रचना है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, वाणभट्ट की हमने देख लिया हर्षचरित्र, कादंबरी, फिर भर्तृहरि का हमने देख लिया नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक, और मयूर का हमने देख लिया सूर्य शतक। इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है, ठीक है ना। तो शतक के आधार पर ही याद रखिएगा, इन दोनों ने कंपटीशन लगाया, भर्तृहरि है ना, भर्तृहरि बार बार शतक लगाए जा रहे थे, भक्ति में भी लगा लिए, श्रृंगार में भी और नीति शास्त्र में भी लगा लिया, यानी कि नीति शतक, तो मयूर जी पीछे नहीं रहे और ये भी एक सूर्य का शतक लगा दिए। ठीक, चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, इसका उत्तर दीजिएगा। घंटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की जुताई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए, समय मापने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताएं। अंतिम प्रश्न है, सही उत्तर बताएं।
चलिए सभी लोग उत्तर दें। सी और बी दोनों आ चुके हैं। देखते हैं अंतिम निर्णय क्या होता है, विजेता कौन होता है, सी वाला या फिर बी वाला। सी में है समय मापने में और बी में है खेत की सिंचाई के लिए। चलिए ए के साथ कोई अभी तक नहीं गया है जुताई के लिए, नहीं यानी कि सभी को पता है तूला से तो जुताई होगा नहीं, घंटी से जुताई होगा नहीं, तो इस आधार पर ए किसी ने नहीं लगाया। घंटी बजा के समय का मापन किया जा सकता है कि घंटी बज गया, स्कूल में यही होता है ना, घंटी बज गया एक सेशन समाप्त तो दूसरा स्टार्ट होने वाला है, तो इस आधार पर लगा रहे हैं समय मापने में, ठीक है ना। जबकि इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर क्या है, खेत की सिंचाई के लिए। जो अरहट है ना, इसका वर्तमान नाम हम देख सकते हैं अरहट जैसा ही ये होता था, उसके माध्यम से क्या होता था कि पानी निकाल के और उससे खेत की सिंचाई की जाती थी, तो इसका सही उत्तर क्या है, खेत की सिंचाई के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा खेत की सिंचाई के लिए। इसे घंटी यंत्र भी बोलते हैं या फिर तूला यंत्र भी बोलते हैं, ठीक। तो सही उत्तर ये था हमारा। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 14। 14 में से आप सभी के कितने प्रश्न हुए उसके आधार पर इस टॉपिक का रिवाइज कर लीजिएगा। अगर 14 में 14 सही हुआ होगा तो एक बार पढ़िएगा, 2-3 गलत होगा तो 2 बार पढ़िएगा, और 5-6 गलत होगा तो 3-4 बार आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये हमारा प्राचीन काल पूरा समाप्त हो गया। अब इसमें धर्म से संबंधित भी प्रश्न आता है, हमने यहाँ पर नॉन आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा देखा है, आर्ट एंड कल्चर से 1-2 प्रश्न हमने देखा है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हम क्या करेंगे, यहाँ पर और भी कुछ प्रश्न देखेंगे जो अगली क्लास में होगी, उसके बाद से हम आ जाएंगे पूर्व मध्यकाल। इसके बाद जो हम करेंगे अगला हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा आ जाता है क्या, मध्यकाल, ठीक है ना। आगे हमारा आ जाता है मध्यकाल, और मध्यकाल को देखें तो 3 भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पूर्व मध्यकाल यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले के काल को हम पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत रखते हैं, तो सबसे पहले हम इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे कहां, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हो गई, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हम देखेंगे। उसके बाद हम यहां पर मुगल साम्राज्य देखेंगे, मुगल काल देखेंगे, और उसी के साथ वहीं से मुगल काल से के समय से ही अंग्रेजों का भी आगमन होने लगता है, तो उनकी भी चर्चा करते हुए हम मध्यकाल को समाप्त करेंगे। लेकिन एक बात ये बतानी है कि कल की क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, कल की क्लास इतिहास की होगी, है ना, लेकिन जो गोविंद मालवीय सर हैं वो लेंगे, क्योंकि मैं और रवि सर 3-4 दिनों के लिए गुजरात जा रहे हैं, भारत दर्शन को लेकर, गुजरात नहीं सॉरी राजस्थान जा रहे हैं, तो 3 दिन की क्लास जो होगी मंडे तक, मंडे या ट्यूसडे तक, एक हमारी फ्राइडे होगी कल, तो कल की क्लास वहीं लेंगे, उसके बाद मंडे और ट्यूसडे, ये 3 क्लास जो है, 3 क्लास जो है वो किसके द्वारा, गोविंद मालवीय सर के द्वारा ली जाएगी, उसके बाद कि फिर से क्लास मेरे द्वारा कंटिन्यू कर दी जाएगी, ठीक। तो इसके संदर्भ में कुछ अगर आप सभी को बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए फुल मार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं, यानी कि रिवीजन की आवश्यकता है, आप सभी लोग रिवीजन करें, किसी का भी फुल मार्क्स नहीं है। यहाँ से देखा जाए तो 50 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से 10-15 प्रश्न एक दूसरे को दोहराते हुए नजर आएंगे, 20 प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड नजर आएंगे, बाकी 20-25 जो बचते हैं केवल वही है, इतना प्रश्न कर लेते हैं तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं बचने वाला, ठीक है ना। चलिए भारत दर्शन जो होगा लाइव चलेगी, मेरे द्वारा नहीं चलेगी, गोविंद मालवीय सर आपको इतिहास की 3 दिन की क्लास लेंगे, उसके बाद से आके मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक। चलिए भारत दर्शन जो भी होगा उसका वीडियो आएगा, आप सभी को मिल जाएगा, तो पहले शूट हो जाए, शूट होने के पश्चात थोड़ा सा उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, और एडिटिंग करने के पश्चात आप सभी को मिल जाएगा। चलिए संजीव जी, हम ही रहेंगे और पूरा आधुनिक भारत तक करवाएंगे, ठीक है ना। बीपीएससी और रेलवे की तैयारी सही, देखिए बीपीएससी और रेलवे की बात करें तो फर्क बहुत ज्यादा है, ठीक, लेकिन बीपीएससी की अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में देखा जाए तो कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। प्रारंभिक परीक्षा का जो स्तर है
जितने भी पीसीएस एग्जाम हैं उन सभी पीसीएस एग्जाम में बीपीएससी का प्रारंभिक स्तर सबसे निम्न है। जो प्रश्न आपको रेलवे में पूछा जाता है वही प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। केवल अंतर हो जाता है कि इसमें ऑप्शन ई आपको हो जाता है जो आपको कंफ्यूज्ड कर देता है, लेकिन जो भी फाइनल रिजल्ट देखे प्रारंभिक परीक्षा का तो इसमें से अधिकतर लोग रेलवे वाले सिलेक्ट हो जाते हैं जो रेलवे की तैयारी करने के लिए हर एक चीज रट बैठे हैं, ठीक है ना। लेकिन मुख्य परीक्षा में जाकर वो फंस जाते हैं। तो अगर बीपीएससी की तैयारी करनी है तो मुख्य परीक्षा को लेकर कीजिए, मुख्य परीक्षा को लेकर कीजिए, प्रारंभिक परीक्षा तो ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो सिलेबस है वही है मुख्य परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा का दे रखा है, ठीक है ना। बाकी यूपीएससी की बात करें, यूपीपीएससी की बात करें तो मुख्य परीक्षा में और भी सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, लेकिन बीपीएससी में देखें तो जो सब्जेक्ट हमारा मेंस में है वही हमारा पीटी में है। बस विज्ञान को लेकर यहां पर सामान्य विज्ञान है और वहां पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, बाकी करंट अफेयर आपका वही है, है ना। मैथमेटिक्स भी आपका वही है, डेटा एनालिसिस वहां पर आता है और यहां पर 10-12 टॉपिक है वहां से प्रश्न आते हैं, तो मैथ में करवा दूंगा। बिहार की करंट अफेयर की बात करें तो बीपीएससी पर एग्जाम से एक महीने पहले पूरा रिवीजन सीरीज, पूरा बिहार स्पेशल, बिहार की पूरी जो पुस्तक है इम्तियाज अहमद हो या फिर मेरे पास 7 से 8 बिहार की पुस्तक है, उनमें से सारी चीज कॉमन करके मैं पूरे बिहार को रिवाइज करवा दूंगा। वहां पर भी मैं लाइव चला दूंगा, एक लाइव यहां होगी, है ना, और एक लाइव बिहार पर मैं लिया करूंगा आजाद बीपीएससी एकेडमी पर। तो एक महीने पहले पूरे बिहार को रिवाइज करवा दूंगा और यहां पर जो भी हो रहा है पॉलिटी हो रहा है पॉलिटी रिवाइज कीजिए, इतिहास रिवाइज कीजिए, भूगोल रिवाइज कीजिए, अर्थव्यवस्था रिवाइज कीजिए। मैथ भी प्रारंभ हो चुका है, ऐश्वर्य अग्रवाल सर आप सभी का मैथ करवा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप करते हुए चलिए, आसानी से गारंटेड है कि आप सभी का बीपीएससी का क्या इंटरव्यू तक आप सभी का निकलेगा। इंटरव्यू तक गाइड करने के लिए यहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक। चलिए बीपीएससी के लिए सबसे कारगर बुक, कारगर बुक के लिए मैंने बुक किट से संबंधित 2 वीडियो जारी किया है। मैंने एक प्रारंभ में जारी किया था आजाद बीपीएससी एकेडमी पर और दूसरा अभी अभी जो आजाद पब्लिकेशन के द्वारा किट बनाया गया है उसके संदर्भ में मैंने किया है, उसको देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बुकों का वहां पर संकलन है, ठीक। गोविंद सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो स्पेशली इतिहास के टीचर हैं, हम हैं सब कुछ पढ़ाते हैं, वो स्पेशली इतिहास पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार उनसे पढ़ के देखिए मजा आएगा, ठीक। चलिए नामिका जी, आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रही हैं लेकिन बीपीएससी देना चाहती हैं, आराम से दीजिए लेकिन तभी दीजिए जब पूर्ण रूप से तैयारी हो, अन्यथा की स्थिति में मेंस भी निकल जाता है, इंटरव्यू नहीं निकलता है तो फिर कोई फायदा नहीं है, लेकिन बीपीएससी में अटेम्प्ट काउंट नहीं होते, आप चाहें तो दे भी सकती हैं। चलिए क्राउन का भी अच्छा बुक है, वो भी ले सकती है। बीपीएससी की बात करें तो ज्ञान पब्लिकेशन या फिर वाणी पब्लिकेशन, क्राउन पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन का बुक लीजिए, इतना सारा चीज उसमें संकलित किया गया है जिससे आप सभी का अच्छे से उत्तर हो सकता है। चलिए अब समय समाप्त हो रहा है, अगली क्लास 10:30 से है, बाकी जो भी डाउट होगा तो आप लोग मैसेज के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज सेशन को समाप्त करेंगे। देखिए कट एंड ड्रॉ की प्राइस मुझे नहीं पता, बुक की प्राइस से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आजाद पब्लिकेशन के नंबर पर कॉल कीजिए और वहां से आप हर चीज की जानकारी ले सकते हैं। चलिए नामिका जी, शायद आपने मैसेज भी किया है, मैसेज के माध्यम से भी मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देता हूं, ठीक है ना। अभी 1-2 दिन से थोड़ी सी व्यस्तता है तो अभी तक 7-8 मेरे पास बच्चों की इंक्वायरी है, इससे संबंधित गाइड से संबंधित, तो मैंने उसका उत्तर नहीं दिया है लेकिन आज शाम तक उनका उत्तर दे दूंगा। तो आप चाहें तो आराम से मैसेज कीजिए, उसके माध्यम से जो भी जानकारी चाहिए बीपीएससी के संदर्भ में या यूपीएससी से संदर्भित हर एक चीज़ का मैं उत्तर वहां पर देता हूं, ठीक है ना। चलिए बर्थडे अच्छा रहा, अब सेशन समाप्त करते हैं क्योंकि अगली क्लास भी प्रारंभ होने वाली, ठीक। चलिए धन्यवाद।